आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग एक आसान स्वीट बना रहे हैं, जिसे मेरे दादी ने फरमाइश की है कि उन्हें भी एक रील देख के पसंद आया कि ये स्वीट उनको चाहिए, तो उन्हीं के लिए ये स्वीट आज बना रही हूँ मैं। बहुत सिंपल है और बहुत आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो चले हम भी आज ट्राई कर रहे हैं कि कैसा लगे। इसके लिए मैंने बटर लिया है, उसे थोड़ा पिघलते ही उसमें दो ब्रेड ले रही हूँ। दो ब्रेड को चारों तरफ से मैं अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लूँगी। ये रेसिपी हर एक को मालूम है मुझे, फिर भी आज मैं आप लोग को बता के देख रही हूँ, दिखा रही हूँ कि दादी ने जो पूछा क्या उन्हें ये रेसिपी, उन्हें जो डिमांड किया उन्हें पसंद आता है भी है या नहीं है। अभी बटर को हम अच्छी तरह से नहीं ली, दो क्यूब तक हमें लगेगा। हम चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए चारों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम दूध यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक कप तक करीबन दूध लिया। इसके पहले मैंने आधा डाला है, ये जब अच्छी तरह से ये सूख जाएगा इसके अंदर, तभी हम और आधा भी डाल के पूरी तरह से इसके अंदर ये खींच जाए, तब तक हम इसे तवे पर रखेंगे। करीबन आपको 5-6 मिनट लगेगा। तब देखिए मैंने इस तरह से निकाले और इसमें हल्का सा मैं हनी डाल रही हूँ, क्योंकि दादी के लिए तो ज़्यादा हनी नहीं डाल रही हूँ मैं। आप, मैं तो कहूँगी आप इसको 1 चम्मच तक करीबन अच्छी तरह से डाल के इसे 10 मिनट में फ्रिज में रख के फिर इसका टेस्ट कीजिएगा। अब दादी का भी ये फेवरेट बन चुका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर